ही फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं यार माइनक्राफ्ट। यस गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट में। बट यस, ये मेरी नॉर्मल सर्वाइवल वीडियो से अलग होने वाली है। यस, तो यार कुछ आज हम नया चीज करने वाले हैं ना माइनक्राफ्ट में। तो सर्वाइवल सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी, बट ये एक अलग वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ माइनक्राफ्ट के ऐसे सीड्स यानी कुछ ऐसे वर्ल्ड और कुछ ऐसे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से अनरियल कह सकते हो और नॉर्मल वर्ल्ड से काफी ज्यादा अलग होते हैं। तो यस, उनमें क्या खास चीज होती है और वो नॉर्मल वर्ल्ड से कैसे क्या डिफरेंट है, वो सारी की सारी चीजें अब आज हम देखने वाले हैं। बाकी मुझे लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जाने अपने फर्स्ट वर्ल्ड की और ओके, तो ये देखो हमारा प्लेयर यहाँ पर खड़ा है। और हाँ, ये मैंने मतलब पहले एक बार टेस्ट करा था कि सच में ऐसा है या नहीं, क्योंकि मुझे सीड कहीं से मिले थे, मतलब इंटरनेट से ही मिले थे। लेकिन यार जहाँ पर मेरा स्पॉन पॉइंट था वहां पर तो नहीं था कुछ भी, तो मुझे 1000 ब्लॉक्स जो दूर आना पड़ा। और यस, ये देखो, तो फिलहाल के लिए अभी मैं सामने जाने वाला हूँ और सामने ही है वो चीज, मतलब वो चीज नहीं, एक तरह से कह सकते हो कि एक जगह है जो कि थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट है नॉर्मल से। बाकी ये पता नहीं कौन सी क्लिप जा रही है। ये देखो, ये तो यार मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है ये वाली ट्रीज। और इन्हीं ट्रीज के अगर हम ऐसे, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ऐसे हम जाएंगे। और ये देखो यार, इन ट्रीज मतलब ये माउंटेन्स के ऊपर ट्रीज हैं चारों तरफ, मतलब कि दूर दूर तक माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में, और इनके ऊपर ये जो ट्रीज है ये तो अलग ही लग रहे हैं। और बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक बहुत ज्यादा यार प्यारी सी लेक है और उसके ऊपर बना हुआ एक बढ़िया सा विलेज। और हाँ, विलेज यार एक नहीं है, यहाँ पर दो दो विलेज है। ये देखो, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो एक विलेज है और दूसरा विलेज है यहाँ पर, और वहां पर भी पूरे यहाँ पर ट्रीज वगैरह। यार ये सच में बहुत ज्यादा प्यारी जगह है और ये मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में तो मुझे तो कभी भी नहीं मिली आज तक। अगर आपको ऐसे मिली है जगह कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये देखो यार, यहाँ से भी अलग ही प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब पूरे देख रहे हो तो मैं लेक के बीचों बीच यहाँ पर विलेज है और यहाँ पर साइड में अपना घर भी बना सकते हैं। कितना ज्यादा मजा आएगा यार यहाँ पर रहने में। ये देखो, यहाँ पर बस एक फाउंटेन की कमी है। अब वो ये देखो, लावा का फाउंटेन आ रहा है यहाँ पर, बट कोई नहीं। के ये देखो यार, ये विलेजर्स रहते, एक सेकंड, विलेजर्स से पंगे लेकर आते हैं यहाँ पर, विलेजर ही नहीं है। ये देखो गोलम भाई साहब, और भाई साहब के यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कोई भी। अब यार कहाँ पर गए? ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये हर एक चीज में हाँ बोलता रहता है। और हाँ ओके, देखो ये मस्त, हमने यहाँ पर फ्लाइज भी जुड़ रही है और यहाँ पर एक छोटा सा, यार ये कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ये ऐसा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अलग सा ही पॉन टाइप बना रखे इन्होंने कि अपना यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए। और ये तो पूरा ऐसे बड़ा सा, बड़ी सी लेक है यहाँ पर, ये यार काफी ज्यादा प्यारी लग रही है सच में। ये देखो बिल्लियां वगैरह घूम रहे हैं यहाँ पर। यार फिर तो यहाँ पर मॉब्स नहीं, मॉब्स तो आते हैं क्योंकि पहाड़ों के बीच ऐसे वहां से तो आते होंगे। अगर आपको भी ये जगह बढ़िया लगी तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जल्दी जल्दी से चलते हैं यार अपने दूसरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमें एक ही नहीं देखना बट और भी काफी सारे हैं, तो वो भी देखने की यार ये मन ही नहीं भर रहा, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। कि एक बार यहाँ से देखो यार, मैं एक बार ही रात में देखना चाहता हूँ। ये देखो यार, यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर रात का टाइम है और सनसेट हो रहा है, और यहाँ पर से क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है यार। यहाँ पर इन विलेजर्स ने लाइट वगैरह चला ली, मतलब टॉर्च चला ली है यहाँ पर, और उधर सूरज जो अच्छी तरह से डूब चुका है, यहाँ पर क्रीपर वगैरह आने लग गए हैं। ओके ये देखो, और ये इतना बढ़िया व्यू लग रहा है सच में। तो ये सभी बस करते हैं जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे वर्ल्ड की तरफ। तो गाइस यार अभी के लिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपने वर्ल्ड में, और मतलब ये जो है ना ये काफी ज्यादा अनरियल है, और मतलब रियलिस्टिक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देखने में ऐसा लगता है। अनरियल ऐसे कि नॉर्मल वर्ल्ड से, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में ये देखो, ये तो मैं एक बढ़िया सा वुडलैंड मेंशन लग रहा होगा। और हाँ, मैंने अपने सर्वाइवल सीरीज में भी थोड़े दिन पहले वुडलैंड मेंशन एक्सप्लोर किया था, उसके बाद पूरा यहाँ पर मतलब कह सकते हो वो पूरा जला दिया था फ्लिंट एंड स्टील से। बट ये देखो, ये बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर वुडलैंड मेंशन लग रहा होगा, बट नहीं, ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो कैसे, ये देखो यार इतना पूरा नीचे, यार ये सच में अंदर तक जा रहा है क्या? एक सेकंड, के नहीं, अबे नहीं, ये देखो ये पूरा यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पूरा बेडरॉक तक जा रहा है यार, इतना बड़ा वुडलैंड मेंशन यार मैंने पहली बार देखा है। बाकी यहाँ आप भी साथ साथ यार कॉमेंट्स में जरूर बताओ कि आपने ये सारी जितने भी वर्ल्ड में एक्सप्लोर करूँ आपने देखे हैं कभी या नहीं। बट ये सच में यार ये काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि
एक सेकंड ये अंदर चलते एक बारी। ओके ये देखो ये किसका कमरा है, हट तू। के अब भाई साहब क्रीपर के साथ बैठे हैं यहाँ पर। ये देखो यार ये यहाँ पर से अलग ही लगता है। ये देखो यहाँ पर से ऐसे तुम जाकर सीधा यहाँ। ये देखो इतना ज्यादा कॉबल स्टोन लगा यार इसको बनाने में। एक सेकंड यहाँ पर से एक बारी मैं ऊपर से चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक बारी खोद कर देखते हैं ऐसे इसमें क्या है। ऐसे यहाँ पर से ऐसे मैं एक बारी यहाँ पर डिक करके देखता हूँ। ओके ये देखो ये यार खत्म ही नहीं हो रहा कॉबल स्टोन, और वो भी ऐसा नहीं है कि स्टोन वगैरह या ऐसा कुछ है। एक सेकंड टॉर्च ले दो एक बारी मुझे। ओके ये देखो यार खत्म ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पूरा यहाँ पर नीचे तक यहाँ पर सिर्फ कॉबल स्टोन ही कॉबल स्टोन है। मतलब मैंने ये देखो वहां पर दिख भी नहीं रहा, मैं कहां से नहीं दिख रहा है अभी दिख रहा है, मैंने चंक्स बढ़ाए हुए हैं ना अपने इसलिए दिख रहा है। बेटा थोड़े और ऊपर जाऊंगा तो नहीं दिखेगा, अभी अभी भी दिख रहा है। एक सेकंड नहीं यार मुझे पता है बहुत ज्यादा नीचे का, और ये पता नहीं ऐसा क्यों है। ओके ये देखो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है अभी नहीं। एक सेकंड ये तो यहाँ पर ओके ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि नीचे से बराबर नहीं है, बटा यहाँ पर आकर और मेरे 46 पर हूँ मैं, Y46 पता नहीं यार ये अलग ही वर्ल्ड एनिमेशन है। ओके तो अभी के लिए चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वर्ल्ड की ओर, तो वो देखते हैं उसमें क्या डिफरेंट होने वाला है। ऑलराइट तो फिर से आज के अपने नेक्स्ट वर्ल्ड में जल्दी से चलते हैं आगे। और ये यार इतना ज्यादा दूर नहीं था मतलब स्पॉन पॉइंट से, ये तो नजदीक था, बट जो वो था ना पहले वाला वो काफी ज्यादा दूर था। बट एक सेकंड यार ये अलग ही जगह है ये, और ये इतने ज्यादा बड़े पहाड़ कैसे है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पहाड़ है यहाँ पर, इससे ज्यादा तो नहीं। एक सेकंड बिल्कुल मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा बड़ा पहाड़ होगा यही है शायद। अब यार वो अभी वो बड़ा लग रहा है मुझे, बट यही ठीक है एक बार ही देखते हैं यहाँ पर। वाई पर मैं 253 यार ये तो यहाँ पर से अगर मैं गिरा तो बिल्कुल एक बारी सर्वाइवल में जाकर मैं गिर कर देखना चाहता हूँ तो क्या होगा। ओके अभी मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल मोड में। एक सेकंड ये तो ठीक है, मतलब सामान वगैरह हो अगर बंदे के पास तो वो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। यहाँ पर डायमंड का आर्मर हो जिसके पास वो उसकी, तो भाई साहब यहाँ पर मरने के बाद इतना ज्यादा फिर ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, जब तक ऊपर चढ़ेगा पहाड़ पर तब तक सामान जो है डिस्पॉन। बट ये देखो यार यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक बढ़िया से ग्रीन लैंड ऐसे बना रखा है, और ये ऊपर पहाड़ है। यहाँ पर तो अलग ही, यहाँ पर गर्मी ऊपर सर्दी लगती होगी, नहीं यार यहाँ पर भी ऐसे ठंडी होगी। वैसे माइनक्राफ्ट में तो ऐसे होती नहीं, मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, बट अलग ही यार यहाँ पर से व्यू आता होगा। मतलब सन तो यहाँ पर जाकर इस पहाड़ के पीछे छुप जाता होगा, यहाँ पर तो ठीक है। मतलब अगर बाहर जाना है यहाँ पर से कहीं से एक्सप्लोर करने तो ये देखो यहाँ पर से ऐसे सर्वाइवल में तो चढ़कर यहाँ पर से चढ़कर उसके बाद यहाँ पर से और फिर हम बाहर निकल सकते हैं। पूरे यहाँ पर ऐसे जेल बना रखी है इन्होंने पहाड़ों की, नाइस। तो यस ये भी देख लिया, अभी जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ल्ड में। तो गाइस यार फाइनली मैं आ चुका अपने फाइनल वर्ल्ड में आज की इस वीडियो के। तो यस मतलब ये फाइनल वर्ल्ड है जो कि हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार एक तो यार मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पर पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो मैं 12,000 ब्लॉक्स जब दूर आया हूँ अपने स्पॉन पॉइंट से, और सच में पहुंचने भी इतना टाइम लग गया। इस मतलब मैं खुश हो रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एटलीस्ट पहुंच तो गया, बाकी यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ये थोड़ा सा मतलब जब ना फर्स्ट था ना उससे काफी ज्यादा सिमिलर है ये वर्ल्ड, तो एक बार ये देखो। ओके ये देखो यार ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इसमें फाउंटेन्स भी देखो छोटे छोटे ऐसे फाउंटेन है जो कि मैं पहले कह रहा था, बट यहाँ पर लावा वगैरह कुछ नहीं। और हाँ यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह छोटी है और इसमें विलेज भी नहीं है, उसमें तो दो दो विलेज थे, बट यहाँ पर कोई विलेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच में यहाँ पर घर वगैरह बनाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा, एक बार देखो ऐसे बिल्कुल। यहाँ पर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बढ़िया से पानी है। और ये देखो यार ये अलग ही पॉन्ड टाइप ऐसा लेक बना हुआ है, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा घर हो यहाँ पर, ये देखो ये पहले से ये देखो घूम रहे हैं यहाँ पर, इतना ज्यादा बढ़िया लगेगा। वहाँ पर हॉर्स वगैरह भी है, अगर रियल वर्ल्ड में ऐसी जगह हो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी सच में। तो बाकी ये देखो यहाँ पर एक अलग ही वाटरफॉल आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर केव्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे छांव में बैठ सकते हो, वहाँ पर ऐसे धूप भी ले सकते हो। ये देखो तो यस ये भी यार काफी ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस यार फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना, आपको कैसे लगे वीडियो मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं और भी पार्ट्स लाऊं, ऐसे ही मतलब माइनक्राफ्ट की सीड्स एक्सप्लोर करूं जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट हो, तो मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए यार कि कितने लोग ऐसे जाते हैं। बाकी आप ऐसे कमेंट्स में जरूर बताना कि सबसे ज्यादा बढ़िया सीड आपको कौन सा लगा। तो
यस वो भी जरूर बताना। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।